पंजाब से पलायन कर प्रवासी श्रमिकों का हरियाणा की तरफ आना लगातार जारी है, जिसको लेकर हरियाणा ने पंजाब पर पहले भी सवाल उठाए हैं। एक बार फिर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार पर इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए और कहा कि पंजाब अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा। श्रमिकों के पलायन पर हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी से कई बार बात की है, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा की तरफ श्रमिकों का आना जारी है। विज ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तरफ बोल रहे हैं कि पंजाब में कर्फ्यू लगा है और पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ऐसे में पंजाब से श्रमिक हरियाणा में कैसे आ रहे हैं? देखिए, ये जो प्रवासी मजदूर हैं, ये जिस प्रदेश में काम कर रहे हैं, अगर ये जाना चाहते हैं तो इनको इनके गांव तक पहुंचाने की जिम्मेवारी उसी सरकार की है, और इसके लिए केंद्र सरकार ने बकायदा SOP बनाकर दी है कि हर प्रदेश अपने यहाँ पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, हर प्रदेश एक वेब पोर्टल बनाए जिस पर ये रजिस्टर करें, और जिस प्रदेश से जाना चाहते हैं और जिस प्रदेश में ये जाना चाहते हैं, जब उन दोनों अधिकारियों की बात हो जाए और उस प्रदेश की NOC मिल जाए, तो रेलवे ने कहा है कि हम रेल कोच मुहैया करा देंगे, और वो करवाते आ रहे हैं। हम हरियाणा से लगभग 1,00,000 मजदूरों को भेज चुके हैं यहाँ से, लेकिन पंजाब अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में पंजाब से मजदूर खेतों के रास्ते, नदियों के रास्ते, जंगलों के रास्ते हरियाणा में प्रवेश कर रहे हैं। हमने बार बार पंजाब के DGP से, हमारे DGP ने बात की है कि आप इनको वहां पर रुकिए, क्योंकि ये आप ही इनको इनके गांव तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। हालांकि अमरिंदर सिंह जी बार बार कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कर्फ्यू लगा हुआ है और यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है, तो अगर पत्ता भी नहीं हिलता है तो इतने हजार मजदूर वहां से, पंजाब से, अमृतसर से चल के, जलंधर से चल के, लुधियाना से चल के कैसे यहाँ पर हरियाणा की सीमाओं को क्रॉस करके आ गए? ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।